तो हम जल्दी से एक मिनी स्टूडियो सा बना लेते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, मैश एंड प्लेन और GZ, इसको नीचे ले जाते हैं, स्केल करते हैं, जहां से भी आपने करना है स्केल आप इसको करें। ठीक है, ये हो गया मेरा स्केल। और मॉडलिंग पे जाते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये मेरा स्केल हो गया, जो इस दोनों को वाइट वाई पे अलाइन करना है। अब हम जाते हैं एडिट मोड पे और यहाँ से हमने ये लाइन पकड़ी। एंड एक्सट्रूड करना है इसको जेड एक्सिस पे। ठीक है, इसको भी पकड़ें और एक्सट्रूड करें जेड एक्सिस पे। वैसे आप दोनों लाइंस को इकट्ठा करके भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट ए दबाते हैं, सॉरी एडिट मोड पे है, हम ऑब्जेक्ट मोड पे गए, शिफ्ट ए, लाइट, एरिया लाइट, जी जेड, इसको ऊपर ले जाते हैं, स्केल करते हैं और स्केल करते हैं, और इसकी इंटेंसिटी हम कर देते हैं 4000 के करीब। ठीक है, रेंडर में जाके देखें कैसा इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। एक और लाइट ऐड करूँगा, लाइट, एरिया लाइट, इसको मैं निकालूंगा वाई एक्सेस पे और रोटेट करूंगा एक्स एक्सेस पे, स्केल करूंगा इसको भी और इसकी इंटेंसिटी में कर दूंगा 2000। ठीक है, तो ये हमारा दो लाइट्स हमने बना दी हैं। एक और लाइट बनाएंगे, शिफ्ट ए, लाइट, एरिया लाइट, इसको मैं निकालूंगा एक्स एक्सेस पे, रोटेट करूंगा वाई एक्सेस पे और थोड़ा सा मैं इसको ले जाऊंगा राइट साइड। इसकी इंटेंसिटी हम करेंगे 1000। ठीक है, या इसकी भी 2000 कर देते हैं। अगेन, ये सारी चीज़ें आप पे हैं। ठीक है, ये मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ कि हमारी हर एंगल से जो प्रोडक्ट है वो वेल लिट हो, मतलब नज़र आए, तो मैं इस एंगल पे इसका रेंडर निकालूंगा। ठीक है, और क्या करें, बस ठीक है, अब हम शेडिंग पे जाते हैं। टाइम बगैर शेडिंग पे गए। अब सबसे पहले जो हम करेंगे ना शेडिंग, वो हम इस परफ्यूम की बॉटल पे करेंगे, जो बॉडी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है न्यू प्रिंसिपल, BSTF आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इस बेस कलर में मैं पहले इसको ना रेंडर पे ले जाऊँ, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया साइकिल्स और इसको मैं ले गया रेंडर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये पर सैंपल टाइम लेना शुरू करेगा, तो यहाँ पे मैं रेंडर के भी 32 कर देता हूँ और इसके भी 32 कर देता हूँ। अब ये जो मेरे पास ये है बॉडी है, इसको मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल BF कर दिया, लेकिन बेस कलर में क्या आएगा ये सोचने वाली बात है। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा जो मॉडल है वो ग्रेडियंट कलर में हो। मैं आप समझ ले लाहौर ग्राफिक्स एकेडमी के लोगों के कलर्स को यूज़ करके एक मॉडल बनाऊंगा, टेक्सचर बनाऊंगा। तो सबसे पहले शिफ्ट ए करें और यहाँ पे लिखते हैं सर्च पे ग्रेडियंट टेक्सचर, ये आ गया। इस कलर को आपने इस बेस कलर में डाल देना है और फिर इस ग्रेडियंट टेक्सचर पे जाके कंट्रोल टी दबा देना है। कंट्रोल टी क्यों दबाते हैं, ताकि हमारे पास ये लोकेशन, रोटेशन और स्केल की मजीद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे ग्रेडियंट ब्लैक कलर का आ गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये ब्लैक ऊपर हो और बाकी ग्रेडियंट नीचे की तरफ फॉल करे, तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल है। मेरे इस में अगर आप देखें तो वाई एक्सिस के अगेंस्ट अगर मैं रोटेट करूं तो मेरा ग्रेडियंट रिवर्स हो जाएगा। 90 में मैंने अगर किया तो आप देखें ग्रेडियंट नीचे से शुरू हो रहा है अब। ठीक हो गया, अभी जो ग्रेडियंट नीचे से शुरू हो रहा है मैं चाहता हूँ ये रिवर्स हो, ऊपर डार्क कलर हो, क्योंकि ऊपर मेरा लोगो आएगा तो लोगो ऑब्वियसली डार्क कलर के ऊपर आना चाहिए, तो वो हम कर लेते हैं। उसको हम करते हैं एक्सटेंड, शिफ्ट ए, रैम्प, तो हमें कलर रैम्प मिल जाएगा यहाँ से, ये रैम्प लिया। अब ब्लैक का मतलब ये है कि ब्लैक नीचे वाला कंट्रोल कर रहा है, वाइट ऊपर वाला कंट्रोल कर रहा है, और अगर मैं इनको रिवर्स कर लूँ, यहाँ से उठा के इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो कलर्स रिवर्स हो गए। ठीक है, कलर रैम्प बेसिकली कलर्स की आप समझ लें ग्रेडियंट जो है ब्लैक एंड वाइट को, उस मैंने पहले भी समझाया था, उस टाइम पे हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी, तो अब मैं इसको अपने हिसाब से सेट करने लगा हूँ कि
ग्रेडियंट अच्छा सेट हो जाए, कलर्स में बाद में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे परफ्यूम का ग्रेडियंट सेट हो गया है। अब जो नीचे वाइट है ना, वो मैंने लाहौर ग्राफिक्स एकेडमी का कोई ना कोई कलर डाल देता हूँ। तो ये वाइट को सिलेक्ट किया, कलर टोन पे गए, इसको बढ़ाया। सॉरी, तो मैं ब्लैक को टच कर रहा हूँ, मुझे वाइट को टच करना है। और ब्लू पहले पकड़ते हैं, ठीक हो गया। एक कलर ये आ गया, एक और कलर मैं ऐड करूँगा प्लस करके, और इसको मैं करूँगा जो पिंक कलर है इनका, वो पिंक कलर में दूंगा। इसको रिवर्स कर देते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो ऐसा कुछ कलर आएगा कि ये हमारे पास ऐसा है। अभी तो ये बिल्कुल एक वो लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, लेकिन हम इसको अभी ग्लास बनाने लगे। ग्लास बनाने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ग्लास बनता कैसे। कलर रैम को ख़त्म किया, यानी कि ये जो नोड है इसको ख़त्म किया, ताकि ग्रेडियंट का इफेक्ट आपको नजर ना आए। अब हम सिर्फ ग्लास बनाने लगे हैं, तो ग्लास के लिए सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी रफनेस कम कर दें और ट्रांसमिशन पे जाके वेट को वन कर दें, तो वो ग्लास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये ग्लास की शक्ल बन गई है। थोड़े से सैंपल इसको जनरेट करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, आई थिंक काफ़ी अब आपको आइडिया हो गया कि ये कैसा एक ग्लास का व्यू आपको दे रहा है हर एंगल से। ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है और थिकनेस भी आ गई है। थिकनेस जो आपको याद होगा मैंने बताया था नॉर्मल सेट करके, वो इस थिकनेस की वजह से मुझे करना पड़ा था। तो ये जो अच्छा सा एक आपको आ रहा है ना फील, इसकी प्रॉपर रेंडर्ड इमेज ना मैं आपको सेपरेट से सबको सेंड करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि ये इमेज फाइनल में कैसे लगा है। अभी तो ये सैंपल्स की वजह से आपको डॉटेड लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा सही। मैं आपको इसकी फाइनल बता। ठीक है, तो ये ग्लास की शक्ल आपको नजर आ गई है। अब इसी के साथ मैं आपको, अगर आप ग्रेडियंट रैंप अटैच कर दूं बेस कलर के साथ, तो आपको ये ट्रांसपेरेंट ग्लास नजर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक बहुत ज्यादा हुआ, मैं ब्लैक को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बॉटल कुछ नजर आ गई है, और ये पीच कलर सा है, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा पर्पल की टोन में। ठीक है, आप कलर पिक भी कर सकते हैं बाय द वे, अगर आपके पास एग्जैक्ट कलर्स हैं तो आप हेक्सा कलर्स लिख सकते हैं, या फिर आप कलर पिक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे इमेज इंपोर्ट की हो तो। एनीवेज, आई थिंक हमारी बॉटल का जो कलर है वो काफ़ी हद तक वही है जो हम चाह रहे थे, जो मतलब जो मैं चाह रहा था बेसिकली। एक ग्रेडियंट है डार्क से, ब्लैक और कम कर लेते हैं ताकि ब्लू ज़्यादा हो हमारे पास। बाकी आप एंगल्स के साथ डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, ताकि ये एंगल्स जो आ रहे हैं वो आपको पता चले कि एंगल्स क्या रोल प्ले करते हैं। राइट, लेफ्ट, ऊपर नीचे, ग्रेडियंट आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो मज़ीद इस पर मैं टेक्सचर नहीं डाल रहा, इस पर मैं नॉइज़ का टेक्सचर डाल सकता हूँ, लेकिन वो आप समझ लें कि वो बिला वजह कॉम्प्लेक्स करने वाली बात है, बिकॉज फाइनल रेंडर पे इसकी इमेज अच्छी आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं और डेफिनेटली उससे रिजल्ट नज़र आता है अच्छा, लेकिन हम जो चाह रहे हैं कि हमारी परफ्यूम न्यू ब्रांड है और नज़र आए, तो वो वाली हम फील लाना चाह रहे हैं। एनीवेज, अब लोगो लेके आते हैं। लोगो कैसे लाएंगे हम? अभी तक मैंने आप लोगों को पिक्चर्स इंपोर्ट करना नहीं सिखाया किसी भी मॉडल के ऊपर, शायद सिखाया हो। उसके लिए हमें जो चाहिए ना वो ये है कि सबसे पहले हम अपने प्लेन को हाइड कर देंगे, फिर लेफ्ट व्यू देखेंगे हम इसका, यहाँ से वायर फ्रेम पे गए और वायर फ्रेम सब कुछ हाइड करना पड़ेगा ताकि कुछ सेलेक्ट ना हो। एडिट मोड, हमारा फ्रंट व्यू जो है ना वो लेफ्ट वाला है, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट किया मैंने। अभी इसने क्या सिलेक्ट किया है? फेस सिलेक्ट कर लिया।
स्पेसेस सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पी प्रेस करके, ओ कंट्रोल जेड, पी प्रेस करना और सिलेक्शन को सेपरेट कर देना। तो अब जी हमारे पास ये है फ्रंट लाइन, इस पे डुप्लीकेट करना है इसको, शिफ्ट एड ऑब्जेक्ट मोड पे जाके शिफ्ट टी, शिफ्ट डी दबाया, तुम्हारे पास दो आ गए अभी, ये ठीक है, यानी ये परफ्यूम इनर है जो हमारा परफ्यूम था, ये उसकी फ्रंट और ये फ्रंट की डुप्लीकेट, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ लोगो। थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा आपको, लेकिन कुछ भी ट्रिकी नहीं है। परफ्यूम का जो अगला पार्ट था वो मैंने अलग कर दिया, अलग करने के बाद मैंने उसके डुप्लीकेट करके उसको लोगो रीनेम कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, अगर मैं इसको जाऊँ रेंडर वाले पार्ट पे या इवन शेडिंग पे चले जाते ताकि ज़्यादा रेंडर स्पीड ना यूज़ हो, तो मेरे पास ये है, मैं अगर लोगो को हाइड करता हूँ और साथ में ये भी हाइड करता हूँ तो ये मेरे पास परफ्यूम आ रही है। अभी जो लोगो वाला पार्ट है ना, इस लोगो को मैं जी वाई करके अगर थोड़ा सा आगे प्रेस करूँ, नहीं सॉरी जी एक्स करके थोड़ा सा आगे करूँ, जी एक्स करके थोड़ा सा आगे करना है, और तो लोगो को मैंने जब आगे पुश किया थोड़ा सा, ठीक है वो अभी मज़ीद देख लेते हैं, इस तरह करके जी एक्स थोड़ा सा इसको मैंने आगे किया है ताकि ये ज़रा स्टैंड आउट हो, क्योंकि इस पर लोगो लगना है। ये लोगो हमारा आगे आ गया, परफ्यूम की बॉटल पीछे और ये वाला पार्ट भी इसके पीछे। अभी जो लोगो है इसमें मुझे ये मटेरियल्स नहीं चाहिए तो मैं इसको क्रॉस आउट कर दूंगा, तो क्या हो गया वो वाइट, पूरा वाइट हो गया। यहाँ पे मुझे चाहिए इमेज टेक्सचर, तो मैं क्या करूँगा, न्यू पे जाए और न्यू प्रिंसिपल में हमें क्या चाहिए, शिफ्ट ए, इमेज, इमेज टेक्सचर और कलर पे जाके बेस कलर पे कर देना। अभी ऑब्वियसली हमसे पिक्चर मांगेगा, पिक्चर हमने यहाँ पे शेयर करनी है, ये लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने लोगो सेलेक्ट किया है तो एक बहुत अजीब किस्म का लोगो यहाँ पे आ गया, उसको हम कैसे ख़त्म करें, वो कैसे सही करेंगे, यूवी एडिटिंग के साथ। यूवी एडिटिंग क्या है, जो हमारा यूवी एडिटिंग होता है, बेसिकली आपने कोई चीज़ किसी पे मैप करनी है ना, तो यूवी एडिटिंग के थ्रू वो इमेज प्रॉपर तरीके से मैप होती है, अदरवाइज बाउंड्रीज जो है ना ब्लेंडर सही तरीके से डिफाइन नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, यूवी एडिटिंग के थ्रू इसको प्रॉपर मैप करेंगे। तो यूवी एडिटिंग कर लेते हैं, यूवी एडिटिंग पे क्लिक करना है आपने, मेक श्योर करें कि आप रेंडर्ड या शेडिंग वाले टैब में हो, और इस लोगो वाले पार्ट को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी पिक्चर आ जाएगी। अब सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जी जो है वो रोटेट हुआ हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास वर्टिसेस है ना ये सारे, ये मेरे पास बॉटल की लेआउट है, यानी अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ और इसको स्केल करूँ बड़ा, तो क्या हो रहा है, मेरी इमेज जो है वो उस पर नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। रोटेट करता हूँ उसको, मैं इधर का आ रहा हूँ तो उल्टा हो रहा है, तो मुझे चाहिए इसको रिवर्स करूँ, -90, और अब इसको मैं फुल स्केल करने लगा हूँ ताकि ये पूरा लोगो जो है मेरा इस बॉटल के ऊपर आ जाए। रिपीट हो रहा है, रिपीट को हम देख लेते हैं अभी, और यहाँ पे परफेक्ट है। अब ये रिपीट क्यों हो रहा है, रिपीट इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर हम शेडिंग पे जाएं और ये इमेज टेक्सचर पे जाएं, तो इसको जूम करूं तो ये रिपीट लिखा रहा है, इसको रिपीट किए जाने क्लिप कर देना है, क्लिप कर देंगे तो सिर्फ वन शो होगा बाकी क्लिप हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि ये ब्लैक मैटेड मटेरियल आपको दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, क्योंकि ये अल्फा जो है इसका, इसका जो अल्फा है किधर है, ये अल्फा जो है ये वन हुआ हुआ है। अगर मैं इस कलर को, यानी कलर क्या है बेसिकली, इमेज है, इमेज को अल्फा में ट्रांसलेट कर दूं तो इसको हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट। तो अगर ये अल्फा में डालने के बाद भी आपका पीएनजी ना हो लोगो, तो आपने क्या करना है, शेडिंग से रेंडर पे चले जाना है। जैसे रेंडर पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लेन को एक्टिवेट करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये देखते हैं क्या है।
काफी डर लग रहा है लोगों, उसकी रीजन आई थिंक ये है कि लोगो जो है थोड़ा सा बाहर निकालना है, जी एंड एक्स करके थोड़ा सा बाहर निकलेगा, मॉडल में जाके इसको एग्जैक्ट मैप करते हैं, जी एक्स ठीक है, इधर गए और अब इधर आएंगे हम, ऐसे हो गया। इसकी रफनेस भी आप कम कर सकते हैं, मगर शाइनी करना है लोगो, लेकिन आई थिंक लोगो शाइनी नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगो एक स्टिकर होता है, स्टिकर शाइनी कुछ सिनेरियोस में होते हैं, कुछ सिनेरियो में नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास एक अदद परफ्यूम बन गई है। अब इसका कैप रह गया, कैप पे सबसे सिंपल शॉर्टकट ये है कि कैप पे जाएं और इस पे भी ग्रेडियंट वाला दे दें तो वो ऑटोमेटिकली सॉरी दूसरे वाला मटेरियल दें तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से कॉपी करके इसके ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए कैप का, तो ये आपके पास मटेरियल बन गया है आपके कैप का।